अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, डिबेट के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट आमिर अली शाहिन। आज हमारे भाई दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद सुहेल शाह कदीरी साहब और फरहान शाहिद। इनके साथ बात होगी, मैं भी कुछ अपनी इसमें अपनी राय दूंगा, ये भी अपनी बात करेंगे। फरहान भाई, मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं? क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में जी मिला जुला रुझान है। जो चीज़ सोच कर या जो हमारा नज़रिया था कि इस मुल्क में स्टेटस को ख़त्म होना चाहिए, को अच्छे और अच्छे कैलिबर के लोग आने चाहिए, ये ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए, कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो हमारे उस नज़रिए के ऊपर एक लीडर उठा, इमरान ख़ान, उसने भी वही बात की जो हमारा नज़रिया था। तो हमने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है यार, ये बंदा तब्दीली लेकर आएगा तो इसको सपोर्ट करते हैं। तो अभी तब्दीली आ गई, स्टेटस को का कुछ ख़ात्मा हुआ, ऊपर से हो गया, नीचे से भी होना बाकी है। लेकिन उसमें भी जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं अभी। अच्छा, तो अभी क्या फ्यूचर में कोई तब्दीली महसूस करते हैं कि कोई क्या यही पार्टी को अच्छा आगे निज़ाम ला सकेगी? कि ये जो घिसा पीटा सिस्टम है, इसको महज एक तब्दीली के नाम पर मैं समझता हूँ कि लॉलीपॉप दिया गया। अच्छा, ये तब्दीली नहीं है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ कुछ चेहरे तब्दील करके सिस्टम वही है जो हमें डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक, उसी सिस्टम के ऊपर आप लोग चेंज करते जाएंगे, सिस्टम तो उन्होंने तो उसी सिस्टम के थ्रू चलना है ना, मैनेजमेंट तो वही है, लॉ वही है। अब वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा तो लोग चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो मैं बड़ी दफ़ा बल्कि मैं बोलता होता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार देखे, MNA MPA के जो हमारा इलेक्शन होता है, वो MNA MPA का इतना बड़ा सीट होती है कि एक गरीब आदमी तो वो लड़ ही नहीं सकता। शाह साहब, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आप क्या कहते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत परफॉर्म कर सकी है? जिसके नारे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत आई है, नारे लगाए थे इन्होंने, तो क्या परफॉर्म कर सकें या आगे फ्यूचर में ये क्या अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर रहे तो आगे कर पाएंगे? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके ऑडियंसिस को भी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है दरअसल आमिर भाई के पूरी दुनिया के अंदर चेंज एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा उसकी ज़रूरत रहती है। ठीक, थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को ज़रा जज्बातियत से हट के थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से देखना चाहिए। चेंज का पर्टिकुलरली नारा जो है, ये सबसे पहले बराक ओबामा ने 2008 के अपने इलेक्शन में लगाया था चेंज का। ठीक कह रहे हैं। तो उनको उस वक्त एक जंग के माहौल से और दीगर चीज़ों से चेंज चाहिए था। अब प्रैक्टिकली जो है वो जंग से निकल सके या नहीं निकल सके, या उन्होंने पॉलिसीज अपनी शिफ्ट की या नहीं की, बट वो उस नारे के ऊपर सामने आए और उन्होंने वो इलेक्शन विन किया और 8 साल तक उन्होंने अमेरिकन जो बागडोर थी अमेरिका के मामला की, वो बराक ओबामा एंड टीम के हाथ में रही। इसी तरह से अगर आप इंडिया में देख लें, हमारे साथ मुल्क है वो, मतलब पिछली दफ़ा उनका नारा था अब की बार मोदी सरकार, इस दफ़ा था अब की बार 300 पार। इसी तरह से लॉबी फर्म्स या दीगर जो फर्म्स या जो लोग इकट्ठे बैठते हैं, वो कहते हैं कि हम कंटेंट क्या दें आवाम को जिससे आवाम हमारी तरफ आए। अच्छा, तो ये बेसिकली एक इस तरह की चीज़ होती है। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तब्दीली की, तो तब्दीली वाकई ज़रूरत तो थी पाकिस्तान में और अभी भी शायद है और शायद आगे भी रहे, क्योंकि ये जो सिस्टम है जिस तरह के फरहान भाई ने बात की, ये एकदम से जाने वाला है नहीं है। ये हम लोग तो इसको देखते हैं 1947 से, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी, और आपके यकीन नाजरीन जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, यकीन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पढ़े लिखे लोग आपके प्रोग्राम को ट्यून इन करते होंगे। ये बड़े संगीर के अंदर जो है ये सिस्टम 100 साल नहीं, 200 साल, 250-300 साल से चलता आ रहा है। उससे पहले बादशाहत का निज़ाम देख लें तो वो भी ऑब्वियसली वो इससे कोई मिलता जुलता ही था, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो इसलिए चेंज की तो ज़रूरत है। अब चेंज के नाम पे आपने इलेक्शन जीत लिया, अब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप चेंज कर नहीं सके, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी है, कबल वक्त है। ठीक, सरे दस चीज़ें कोई चेंज होती हुई शायद लोगों को नज़र नहीं आ रही। अगर वो दरपर्दा हैं तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का इंतजाम करे कि लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करे। अच्छा सर, मैं यहाँ एक और सवाल करूँगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अगर वाकई कह रही है कि हम चीज़ों को चेंज कर रही है, तो वो चीज़ कम से कम अवाम तक बाहम वो चेंज होती हुई चीज़ पहुँचे, या उस चेंज की तरफ जो इनके स्टेप्स फॉरवर्ड हैं वो PTI के नुमाइंदों को चाहिए कि उसके ऊपर मेहनत करें और अवाम तक ये चीज़ लेके, क्योंकि PTI का जो वोटर है और जो आम पाकिस्तानी है वो कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज इस चीज़ में है कि इमरान खान की जो क्लैरिटी है, जो उसकी शफाफियत है, या जो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर लोगों को जो एक बिलीव है कि एक अच्छा आदमी है,
वो तो उनका अपनी जगह के ऊपर कायम है, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको चीजें चेंज होती नजर आ रही तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लिहाजा पार्टी का काम ये बनता है कि वो वाकई अगर तब्दीली के सिम्ट में काम कर रही है तो अब उसको चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर भी फोकस करे, जोर दे। अगर उसको टाइम लग रहा है तो वो लोगों में, अपने वोटर्स में ये हिजानी कैफियत पैदा ना होने दे, इसके ऊपर भी। अच्छा सर, मैं आपसे जो आपने बात की है, मैं सवाल से ये चीज़ है, देखिए एक गरीब आदमी की तब्दीली और एक पढ़े लिखे एक दानिशवर की तब्दीली में बड़ा फ़र्क है। दानिशवर आदमी देखेगा कि यार पाकिस्तान को हम जो है ना निज़ाम को ठीक करें, उसके अंदर जो कानून के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको ठीक किया जाए, और बहुत सारे मसाइल हैं जो एक दानिशवर देखता है अगले 50 साल में या 100 साल के अंदर की ये तब्दीली, हमने इसको टारगेट अपना अगले 100 साल। लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो कहता है यार रोटी कपड़ा मकान मेरे बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, और उसका वही मेन टारगेट होता है। हम देखने में ये मिल रहा है कि जो अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी सख्त बातें हम पब्लिक में सुनते भी हैं उसकी वजह महंगाई है, तो क्या आपका ख्याल नहीं है कि ये एक बड़ा फैक्टर है? देखिए यकीनन फैक्टर है, और मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है। और मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए इसमें सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूँगा कि बात वही है कि प्रोग्राम्स में अगर PTI वाले इस गवर्नमेंट में बैठते हैं तो ये कहते हैं पिछली हुकूमत वाले खा गए थे, जो पिछली थी वो उससे पिछली वालों पर डालते हैं, और ये तीनों मिलकर को फौजियों पर डाल देते हैं, वो तीनों मिलकर फिर किसी और पर डाल देते हैं। तो लिहाजा आवाम तो जो है इसमें लीस्ट कंसर्न है कि किसने किया नहीं किया, उनके डोर स्टेप पर उनको चीज़ें पिछले 70 साल से नहीं मिल रही और चीज़ें ग्रेजुअली ख़राब ही होती आ रही हैं। तो इसके अंदर आप देखें बात फिर वहीं आ जाती है, अगर उन्होंने चोरी की थी तो ये चीज़ बात फिर वहीं आ जाती है कि आप ये चीज़ बाहम लोगों तक पहुँचाएँ, जिसमें किसी हद तक इमरान खान और उनकी टीम इसमें कामयाब हुई है कि आज एक आम आदमी, अगर 10 आदमी ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो 11वां आदमी कहता है कि ये काम इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं किया। ठीक है, तो ये किसी हद तक आगाही है, ये लोगों में मजीद आगाही देने की ज़रूरत है। और अगर PTI की गवर्नमेंट और इमरान खान की टीम अगर सही सिंह में काम नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल से PTI के लोग वो लोग हैं कि जो खान साहब की किसी गलत बात पर उनका साथ नहीं देंगे। प्रॉबली चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होंगी, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन सो फार अभी तक चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकती। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी देखने को मिली है, मैं अभी पिछले दिनों एक चीज़ कवर कर रहा था, मैं देख रहा था कि दोनों की अपनी मराया चाहूँगा इस वाले से कि स्टील मिल के अंदर एक आपको पता है कि क्राइसिस चल रहा है, वो स्टील मिल का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और ना बहुत सारे लोगों को जॉब्स उनकी ख़त्म की जा रही हैं। अब वो जो इल्ज़ाम PTI लगाती है, और बात हकीकत भी है कि पिछली गवर्नमेंट जितनी उन्होंने भर्तियाँ इजाफी की हैं, लेकिन जो वर्कर चला गया उसके अंदर, उस बेचारे का क्या कसूर है कि जो जॉब कर रहा है उसको आप बेरोज़गार कर रहे हैं, और महंगाई आपको पता है किस हद तक है, उसके बारे में क्या गवर्नमेंट को उसके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि पहले तो आप उनको अकोमोडेट करने की बात करें कि उन लोगों को कहीं अकोमोडेट किया जाए, जो आप उनको जॉब से ना निकालें बल्कि उन्हें किसी और को इदारा मुख्तलिफ इदारों में अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि इस तरह तो एक परेशानी बन जाएगी उन लोगों के लिए। आप क्या कहते हैं इस वाले से? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ। जिन लोगों को आप समझ रहे हैं कि एक अदारे के ऊपर बर्डन है, एक्स्ट्रा हायरिंग हुई भी है, आप उनको अकोमोडेट करें किसी जगह पर, आप उनको बिल्कुल लावारिस को ना छोड़ दें। बिल्कुल, आप अगर हज़ारों लोगों को बिल्कुल क्विट कर देंगे जॉब से, वो बाहर निकल कर क्या करेंगे? ठीक है, वो हो सकता है वो जराइम की तरफ चले जाएं। ठीक है, उन्होंने अपना पेट पालना है, अपने घर वालों का पेट पालना है, किसी भी वजह से वो जॉब पे लग गए, सिफारिश से लग गए, पैसे से लग गए, या किसी सियासी असर रसूख की वजह से लग गए, है वो पाकिस्तानी है, उसको एक गलत तरीके से इंडक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप उसको सही करें बजाय उसके मज़ीद ख़राब करें, उसको बिल्कुल ही लावारिस कर दें वहाँ से निकाल के, वो रहेगा आपके ऊपर बोझ ही। सही है, आगे क्या फ्यूचर के लिए, ये किसी भी जगह पे आप चले जाए, किसी भी इदारे में चले जाए, जहाँ पे भी वो डेवलपमेंट्स करनी शुरू करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और भी मैं चाहूँगा कि चले, तो अपने बात की इसके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक नारा लगा के आई तब्दीली का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का तंजीम में और उनके जो लोग तंजीमों में काम कर रहे हैं, क्या वो इतने कम्पिटेंट हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जो सर्व कर रहे हैं इस पार्टी को, और वो उस जगह पर वाकई बनते थे? क्या केशा साहब आप क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए आमिर भी, इस सिलसिले में बात अमूमन हमारी होती रही है पास्ट में भी, आज भी आपने सवाल किया। बात ये है कि मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी के अंदर
किसी के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं राय देने से गुरेज करूँगा। शाह साहब, मैं एक चीज़ इनका, देखिए आप वकील हैं, ठीक है शाह साहब, आप कोर्ट में पेश होते हैं, आपको एक लाइसेंस दिया गया है क्योंकि आप वकील हैं, आपने तालीम वकालत की हासिल की है, ठीक है ना, आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके वाले से, तो आप एक सीट है उसके ऊपर ऐसे बंदे को बैठा दें जिसकी एक्सपर्टीज़ आई ही नहीं, वो उस जगह पर काबिल था ही नहीं, अब आप उठा दें, तो ये कोई नलायकी नहीं है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए आमिर भी इस सवाल के जवाब के लिए फिर आपको पूरे सिस्टम को जो है ना निशाने पे लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो निशाने पे तो लेना चाहिए रशा साहब, हमने तो पाकिस्तान तरीके से नारे ही तब्दीली का लगाया था। उस तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए एक बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि तब्दीली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फ़र्ज़ नहीं है, ये सारों का काम था, ठीक है, ठीक है, और अगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उन्होंने ये बात करी दी है तो इस चीज़ को देखिए, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बात यह है कि हमारे यहाँ हम लोग चूंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमें ये कहते हुए शर्म नहीं आती, ठीक, पहली बात तो ये है, हालांकि ये ऐसी बात है जिस तरह से कोई बंदा अपने बारे में ये बात कहे कि यार मैं गैर मुहज्जब आदमी हूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ सही बात है, हकीकत बात है, हम लोग बड़े मज़े से हर महफिल में बैठ के कह देते हैं हम लोग जी, हम लोग चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो इसलिए हमारा ये है। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ दे कौन रहा है? टैक्स पेयर दे रहा है, ठीक, टैक्स पेयर का काम नहीं बनता कि वो ये कहे कि मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा हूँ या मैं एक थर्ड वर्ल्ड नेशन हूँ या मैं कोई भी सख्त बात नहीं करना चाहता। टैक्स पेयर का काम ये बनता है कि भाई मेरे से तो तुम टाफी से ले के जो है वो कफन तक मेरे से तुम टैक्स ले लेते हो, मैं अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों हूँ? बिल्कुल सही है, ठीक है, तो लिहाजा पहली बात तो ये कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, और जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होना या थर्ड वर्ल्ड नेशन होना या थर्ड वर्ल्ड मुल्क होने की बुनियादी डेफिनेशन है कि हम एक गैर मुहज्जब माशरे में रहते हैं और हम एक गैर मुहज्जब माशरा हैं। जब आप गैर मुहज्जब माशरा हैं और आपने इस रियलिटी को तस्लीम कर लिया है तो मुझे बताएं कि आप मुझसे ये सवाल क्या कर रहे हैं और आप इन लोगों से क्या सवाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये भेजते हैं नेशनल और प्रोवेंशियल असेंबलीज में, कभी इन्होंने कभी उनका मेरिट चेक किया कि जिनको लेजिस्लेशन के लिए लॉ मेकिंग के लिए वहाँ भेज रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमारे तो 1898 से वही कानून चल रहे हैं, सही बात है, हमारी तो सारी चीज़ें वही चल रही हो। भाई सबसे पहले तो आप देखो, ठीक है, साल में 5 दफ़ा एक प्लेट खा के तुम चावल की, ठीक है, एक रोटी नान कीमे वाले तुम खा के वोट दे देते हो, उसके बाद से पूरा साल रोते रहते हो जी फलां बड़ा बुरा है, फलां बड़ा बुरा है, साल में एक दफ़ा तुम्हारे पास एक चीज़ आती है, तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तुम किसको गलत कह रहे हो? तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा, मैं तो अपने लोगों से बात करूंगा, मेरा तो इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो असेंबलीज के अंदर बैठे हुए, ये मेरी क्लास से बिलोंग ही नहीं करते, ये मुझे रिप्रेजेंट ही नहीं करते, ठीक, ये जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके फायदे के बारे में सोचते हैं, ये तो आवाम को सोचना है कि उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। आप कहना मकसद है कि हमारी आवाम जो है वो ही इस शऊर की उनमें बड़ी कमी पाई जाती है कि वो वोट ही अपना ठीक बंदों को नहीं देते और वो अपने जो अपने नुमाइंदे हैं वो खुद गलत लेकर आते हैं। अगर भी मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा कि आवाम को पता है, अच्छा आवाम को पता, लेकिन आवाम पेन ही नहीं लेना चाहती। एक एक आदमी अपने बच्चे के लिए, उसके स्कूल की फीस के लिए, उसकी सेहत के लिए, अपनी फैमिली को एक शेल्टर देने के लिए, घर लेने के लिए, अपना रोज का हाउस होल्ड चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं उस आदमी से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक बेहतर आदमी का इंतखाब करके इन सब चीजों के हुसूल को अपने लिए आसान बना लें, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारें, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत भी करें। इस महंगाई के दौर में जब हर जगह पे करप्शन है, जब हर जगह पे एक बुरा काम चल रहा है, आपको अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा, आपको यानी आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको, आप अगर सीमेंट लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक कार्टल बैठा हुआ है, कार्टल मॉब बने हुए हैं, ठीक है, आप सिर्फ सारे लोग मिलकर या आवाम का एक बड़ा हिस्सा मिलकर कम से कम इस चीज़ पे तो पहुँचे कि हम लोग जिस चीज़ के लिए दिन रात अगर मेहनत करते रहते हैं, चूँकि करप्शन महंगाई और कर्ज़ों में ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ ऊपर चली गई है, तो क्यों ना हम साल में या 5 साल में एक दफ़ा आपस में लोग मिले, ये जो मिडिल क्लास तबका है, जो आम आदमी है, ये आपस में मिले, इनको मिलाने का भी 5 साल में 2-3 महीने के लिए एक कोई उनके इलाके का बड़ा कंडूटा या उनके इलाके का सबसे अमीर आदमी एक पिंडाल से जाता है, उसमें एक जज्बाती सी तकरीर करता है, उनसे वोट लेता है और 5 साल के लिए आपका ख्याल शाह साहब ये नहीं है। देखिए एक बात है ना, आप ये हम 70 साल से प्रैक्टिस चल रही है ना जो बात कर रहे हैं, 70-72 साल से ही प्रैक्टिस चल रही है, तो ये काम, ये शोर देना, ये तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों का और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका काम है ना ये शोर पैदा करना, और इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है
कि हमारा जो हमारी जो आवाम है उसको रोटी कपड़ा मकान और उनके मसाइल के अंदर इतना उलझा दिया गया है कि वो लोग जो है वो ये चीज़ सोचने तक जाते ही नहीं है। उनके अंदर सोच, उनको पहले तो बात है को समझाने वाला होता नहीं, और दूसरा खुद भी वो इतने इस अपने अपने माश के हवाले से इतना फंसे होते हैं को उस तरफ जाते नहीं है। क्या कहते हैं आमिर भाई, बात ये है ना कि ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान बीमार हो जाता है तो उसको अपनी टांगों पर ही दोबारा खड़ा होना पड़ता है। ठीक है बात, लेकिन सर्कमस्टांसिस आपके अबनॉर्मल हैं, यू हैव टू डू एन अबनॉर्मल एफर्ट कि आप इसमें से बाहर आएँ। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग आप उठेंगे तो सारी चीज़ें, आप एक दिन एक नारे लगाते हुए आप जाएंगे इस्लामाबाद तक और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये साला साल से ख़राब हुई हुई चीज़ें हैं हमारी नेशन के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें बदकिस्मती से आ गई हैं जिनको हमें अपने अंदर से वाइप आउट करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग दैट आप अपने अहदाफ बींग को इस्तेमाल उन तक अचीव नहीं कर सकते। बड़ी सीधी सी बात है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। बींग को आपको देखिए, दुनिया में बड़ी कौमें वही बनती हैं जो लड़कर, लड़ने से मुराद मेरी ये नहीं है कि किसी से आप अपनी गुर्बत से लड़ें, आप अपने नफ्स से लड़ें। आपको अगर किसी जगह पे कोई रिश्वत ऑफर हो रही है, आप सबसे पहले तो आप उसे कहना कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, ठीक है। या आपको किसी जगह के ऊपर कोई जगह पर रिश्वत देना पड़ रही है कोई काम करने के लिए, आप इरादा करें कि मैं नहीं दूंगा। एक दफ़ा नाकाम होंगे, दो दफ़ा नाकाम होंगे, चार लोग इकट्ठे होंगे, आठ लोग इकट्ठे होंगे, 16, ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट होगी, बट विदाउट डूइंग दैट मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोग्राम्स आप सारी जिंदगी करते रहे। आप फरार में क्या कहेंगे इस वाले से, क्या ये सियासी जमातों का काम नहीं है? जैसे मैंने शाहिद से पूछा है कि सियासी जमातों का काम नहीं शोर दिलाना, अगर ये दिला, क्योंकि इस तरह तो शोर नहीं आता, एक दिन में तो शोर नहीं आता, इसके लिए तरबियत की जाती है और तरबियत का फुकदान है हमारी तमाम सियासी जमातों में। आप क्या कहते हैं इस वाले से? तरबियत का तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है जी इससे, बिल्कुल सियासी जमातों का काम है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है तरबियत के मामले पर। हर किसी का एक अपना पर्सनल एजेंडा है, उसको लेकर चलते हैं, तो दूसरे किसी की बात सही भी होगी तो वो उसको 10 दलीलें दे देंगे उसको गलत साबित करने के लिए कि कोई मेरे बीच मेरा फॉलोअर कम ना हो जाए। ठीक है, उसको सही बात को भी वो गलत साबित कर देंगे। तरबियत के लिए तो बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें ख्याल में कौन किन किन कौन कौन से वो तबकात हैं जिनको तरबियत करनी चाहिए हमारे माशरे में, अगर हमें माशरा में ठीक करना है अपना? सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन सेक्शन है, ठीक है। आप किसी को भी उठा के मिनिस्ट्री देने की खातिर जी, यार ये एजुकेशन की मिनिस्ट्री उठा के फला बनने के लिए, हमारी हिस्ट्री में देख लें, मैट्रिक की डिग्री जिसकी ज़्यादा निकली वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन का तरबियत का क्या हाल होगा? ठीक है, हमने कोई तरबियत का बीच में लेसन ही नहीं रखा होगा अपने बच्चों से लेकर आप अपनी मास्टर्स लेवल की डिग्री PhD तक चले जाएं, उसमें कोई है ही नहीं है तरबियत के हवाले से, ठीक है। आप एक मिनिस्टर लेके आते हैं, उसको मिनिस्ट्री दे देते हैं, वो थोड़े अरसे बाद आके आपको 10 मिनट की 20 मिनट की एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करके दे देता है, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उसे लगाने से पहले एक प्लान दें कि ये आपको मिनिस्ट्री दी जा रही है, इसका हमारा हदफ ये है कि हमने अपने 10 सालों में 20 सालों में अपने लोगों की ये तरबियत करनी है। हमारे लोग जो हैं, आप जापान की देख लें, जापान की एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने प्रॉपर एक तरबियत के लिए सेपरेट सब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, पूरी बुक पढ़ाई जाती है। अच्छा, लोगों को तरबियत दी जाती है, उन्होंने लोगों के साथ पेश कैसे आना, ठीक, उन्हें एटिकेट सिखाए जाते हैं, बचपन में सिखाए जाते हैं। तो ये तरबियत के ऊपर तवज्जो देने के लिए हमें अपने एजुकेशन सेक्शन को जो है ना वो ग्रूम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले से एक प्लान बनाएं और उसके ऊपर फिर अमल करें, ठीक है, उसको फॉलो अप करें। अच्छा, आज तो हमारा जो टॉपिक था, हम लोगों ने बात की हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो मामला हैं उस वाले से, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम रेगुलर आपको हमारे मेरे गेस्ट और भी बहुत सारे आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हमारे फरहान भाई और सुहेल शाह साहब तो रेगुलर हमारे इसमें गेस्ट होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट आमिर शाह को जाते दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।